हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? मैं हूं एनी और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से भरपूर एक प्लान के बारे में। जी हां, आप सही सोच रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे एलोवेरा प्लान के ऊपर। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग रोज़ अपने स्किन केयर रूटीन में ये यूज़ कर सकते हैं। हम लोग एज अ जूस हम लोग खा सकते हैं, हम लोग लगा सकते हैं अपने हेयर ग्रोथ के लिए, अपने ब्यूटीफुल हेयर के लिए भी हम लोग ये लगा सकते हैं। मैं तो लगाती हूँ, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये इम्प्रूव करता है अपनी स्किन को और प्रिवेंट करता है रिंकल्स और कॉन्स्टिपेशन को भी ये प्रिवेंट करता है। आपका अगर हाथ में कट जाए, जल जाए तो भी ये यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा एक सकलन प्लांट है, इसलिए इसके अंदर जो है इसके लीव्स के अंदर जेल को स्टोर करता है, इसलिए इसके लिक्विड जैसे होता है, इसलिए इसको काफ़ी कम पानी देना होता है। एलोवेरा एक पेरेनल प्लांट भी है, इसलिए अगर आप एक बार घर में लेके आए तो इसको मारना काफ़ी मुश्किल होता है। ये काफ़ी देर तक नहीं मरता है। और ये जो एलोवेरा प्लांट है फ्रेंड्स, ये एक जीरोफिटिक प्लांट भी है। जीरोफिटिक प्लांट मीन्स डिजर्ट में जो सर्वाइव करता है, रेगिस्तान में जो प्लांट सर्वाइव करता है उसको जीरोफिटिक प्लांट बोलते हैं। इसलिए ये जो प्लांट है, अगर आप रेत में डिजर्ट में अगर इसको रख देंगे तो ईजिली ये सर्वाइव कर जाएंगे। एलोवेरा को अगर आप घर के अंदर रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये हार्मफुल केमिकल को एब्जॉर्ब करके एयर को प्योरीफाई करता है। और अगर आप इसको बेडरूम में रखेंगे तो रात को ऑक्सीजन भी देगा, तो हुई ना अच्छी बात। तो आप इसको ज़रूर आपके घर में रखिए, आपके बेडरूम में रखिए, एयर को प्योरीफाई करता है। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये 10 to 30 डिग्री सेल्सियस डिग्री में काफ़ी अच्छी तरह से ये ग्रो होता है। तो चलिए अभी इसके केयर और टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एलोवेरा को ज़्यादा आप केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको जितना आप इग्नोर करेंगे इतनी अच्छी तरह से ये ग्रो होगा। इसको इंडोर एज वेल एज आप आउटडोर में भी रख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको ढेर सारा अगर आपको एलोवेरा चाहिए तो आप बाहर में चल रखिए, जितना आपको इसको धूप देना है इतना अच्छी तरह से ये ग्रो होगा। बट ये ध्यान में रखिए कि ज़्यादा तेज़ धूप ना हो। काफ़ी फ्रेंड्स मुझे मैसेज किया है कि उन लोग का जो एलोवेरा प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, स्लो ग्रो हो रहा है। फ्रेंड्स एक्चुअली ये विंटर सीजन में काफ़ी स्लो ये ग्रो होता है, बट अभी समर सीजन है तो काफ़ी अच्छी तरह से ये ग्रो होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप बाहर में रख रहे हैं तो अच्छी तरह से ये ग्रो होगा, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि काफ़ी तेज़ धूप ना हो। तेज़ धूप में क्या हो जाता है, ये इसका जो कलर होता है, ये अभी देखिए ये कितनी सुंदर से ये ग्रीन कलर हो रहा है, लेकिन अगर आप तेज़ धूप में रख देंगे तो इसका जो कलर है ये कलर फेड होने लगता है, तो इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स इसका दो रीज़न है, इसका जो टिप्स होते हैं, टिप्स जल जाता है, बर्न हो जाता है, बिकॉज दो रीज़न होता है मैंने जितना भी मैंने देखा है। एक तो है आप ओवर वाटरिंग, और सेकेंड है जो आप तेज़ धूप में रखने से इसका जो टिप्स होता है ये थोड़ा जल जाता है। इसलिए थोड़ा ध्यान में इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखें ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो हो और इसका जो कलर है ये बरकरार रखे। अभी इसके वाटरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आप लोग को बताया है, एलोवेरा एक सकलन प्लांट है, इसलिए इसमें काफ़ी कम पानी देना होता है। आप एक बार चेक कर लीजिए, जब ऊपर का सॉइल जब टोटली ड्राई हो जाता है तब इसमें पानी देना होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा पहले। और जब भी आप इसमें पानी देते हैं फ्रेंड्स, इसमें अच्छी तरह से पानी देना होता है ताकि एक दो सेकेंड में नीचे से आप इसको ड्रेन आउट हो जाए, जो पानी है नीचे से जो निकल जाए अच्छी तरह से, ऐसे आप अच्छी तरह से पानी दीजिएगा। तो गाइस अभी इसके सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। एलोवेरा प्लांट के लिए कोई अलग से सॉइल आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। आप घर में ही जो दूसरे प्लांट के लिए जो सॉइल आप तैयार करते हो वही सॉइल इसमें आप दे सकते हो। मैं तो सिर्फ गार्डन सॉइल और सैंड देती हूँ, क्योंकि ये रेगिस्तान में ग्रो होने वाला प्लांट है, इसलिए इसको ज़्यादा सैंड ज़्यादा दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से जब भी आप पानी दो ये ड्रेन। आपके पास कोकोपीट होता है और काउडंग होता है तो वो आप मिक्स कर सकते हो गाइस, हो जाए। और फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात करूँ तो मैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते नहीं, हाँ आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हो, नहीं तो आप काउडंग दे सकते हो, और बस वही मैं तो यूज़ करती हूँ, फिर भी ये अच्छी तरह से ये ग्रो होता है। और फ्रेंड्स प्रोपोगेशन के बारे में बात करूँ तो दो तरह के आप प्रोपोगेशन कर सकते हो। एक तो है जैसे कि ये लीव्स है, इसको लीव्स को काट के अगर आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लगता है ये ग्रो होने में। दूसरा जो प्रोसेस है ये काफ़ी ईजी है, जैसे कि ये अलग से बेबी प्लांट निकलता है। मैं देखिए ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसको लगाया हुआ है, ये बेबी प्लांट है,
इससे ही अलग से साइड में निकला था और ये मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस कर दिया, लेकिन अभी एक महीने के अंदर ही इतनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा है। आप ऐसे ही कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग के बारे में बात करूँ तो गाइस, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इसका जो हम लोग पानी जब देते हैं तो ड्रेनर हो जाता है, तो फर्टिलाइज़र उसमें जो काउडंग होता है वो निकल जाता है, इसलिए जब भी आप चेक कीजिएगा, एक दो साल के बाद आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, बस यही है। और गाइस, ये वीडियो कैसा लगे ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के आंसर देने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को तो पता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं गाइस तब मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कुछ वीडियो बनाने का मन करता है गाइस। और लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है वो दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।